गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट्स, यू हैव डिस्कस्ड और यू हैव टॉट अबाउट फर्स्ट लेसन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड लेसन, विच नेम इज़ मी प्रिंसेस मीनाक्षी। तो बेटा, ये स्टोरी है एक प्रिंसेस मीनाक्षी के बारे में, जो कि एक बहुत ही जिद्दी टाइप की लड़की इसमें बताई गई है। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका बिहेवियर इतना डिफ़िकल्ट था कि उसको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता था। मतलब जब भी उसके फादर कुछ भी कहते, वो उसके अगेंस्ट जाती थी। तो उसने इस चीज़ के लिए अपनी इच्छाओं को भी दबाया था, लेकिन उसकी मेन इच्छा क्या थी कि बस उसको अपने फादर के अगेंस्ट जाना है। तो बेटा, आप इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा था। वंस अपॉन मीन्स एक बार, एक समय की बात है, ठीक है। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था एक राजा, दैट मीन्स देयर वाज अ किंग, ठीक है। ही वाज वेरी ब्रेव, वह बहुत ज़्यादा बहादुर था। ही हैड वन डॉटर, उसके एक पुत्री थी, प्रिंसेस मीनाक्षी, जिसका नाम क्या था, प्रिंसेस मीनाक्षी, राजकुमारी मीनाक्षी। वाज ब्यूटीफुल, वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। She was more beautiful than any other girl in the kingdom. She means वह, she here refers to the princess मीनाक्षी। वह किसके लिए आया है यहाँ पर, princess मीनाक्षी के लिए। वह बहुत ज़्यादा, more beautiful means it is a बेटा comparative degree, okay? Beautiful, more beautiful and its superlative degree is most beautiful, ठीक है। तो हम जब दो में किसी में comparison करते हैं तो किसका कौन सी degree use करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या आया है, शी वाज मोर ब्यूटीफुल, वह बहुत अधिक सुंदर थी, ठीक है, देन एनी अदर गर्ल, और दूसरी लड़कियों के अपेक्षा, देन मीन्स अपेक्षा, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा, इन द किंगडम, उस राज्य में, ठीक है। किंगडम मीन्स राज्य, राजधानी, ठीक है। तो उस राज्य में जितनी भी लड़कियाँ थी, उन सबसे ज़्यादा वो खूबसूरत थी। इसका एक ही मतलब है कि वो, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बट हर बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो व्यवहार था, वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक है। कठिन मीन्स, कठिन क्या होता है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो सरल नहीं है, ठीक है ना। तो उसका नेचर किसी को समझ ही नहीं आता था, दैट मीन्स इट वाज, हर नेचर वाज वेरी डिफ़िकल्ट। नथिंग सीम टू प्लीज हर, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। सीम मीन्स होता है बेटा प्रतीत होना या आवास होना, और टू प्लीज हर, प्लीज का मतलब होता है खुश करना, टू हर, हर मीन्स उसको, प्रिंसेस मीनाक्षी को। तो कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जो प्रिंसेस मीनाक्षी को प्रसन्न कर सके, ठीक है। इसका मतलब एक ही है कि उसको कोई भी चीज़ प्रसन्न नहीं कर सकती थी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि उसका नेचर बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बंस हर फादर बॉट आ ब्यूटीफुल जेड, एक बार उसके पिताजी लेकर आए, बॉट मीन्स लेकर आए, बाई की सेकेंड फॉर्म है। वैसे भी जब स्टोरीज होती है वो सारी पास्ट टेंस में होती हैं, और पास्ट टेंस में यू नो इसमें हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें, ठीक है ना। तो इसमें मोस्टली आपको सेकेंड फॉर्म मिलेगी वर्ब्स की। वंस हर फादर, एक बार उसके पिताजी लेकर आए आ ब्यूटीफुल जेड, एक सुंदर जेड, बेटा एक बहुमूल्य रत्न होता है ना, जैसे कीमती रत्न होते हैं ना, उसका नाम है ये जेड। तो एक सुंदर सा बहुमूल्य रत्न का नेकलेस, नेकलेस मीन्स गले का हार, फोर हर, उसके लिए। बट सी सैड, परंतु उसने कहा, आई हेट जेड, परंतु उसने क्या कहा कि मैं नफरत करती हूँ, हेट मीन्स नफरत करती हूँ, किससे, जेड से, इस प्रीसियस जो स्टोन जेड है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। उसने क्या कह दिया, क्यों, क्योंकि उसकी तो हैबिट थी उसको अपने फादर के अगेंस्ट जाना था, तो जो भी उसके फादर उसको करते हैं वह उसको क्या कह देती है, बेटा कि मुझे यह सब कुछ पसंद ही नहीं है। इसीलिए उसके नेचर को कैसा कहा गया है, डिफ़िकल्ट कहा गया है। ऑन अनादर अकेजन, अकेजन मीन्स अवसर, मौका, है ना, अनादर मीन्स दूसरे, और दूसरे मौके पर जब भी उनके घर में कोई भी मौका आया तो उसमें क्या हुआ, ही ब्रॉट, ही किसके लिए आया है बेटा, किंग के लिए, ही हेयर, ही रेफर्स टू द किंग। ब्रॉट अगेन, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, हर द प्रेटीएस्ट, ब्रिंग मीन्स लाना, उसके पिताजी लेकर आए उसको प्रेटीएस्ट, अगेंस्ट दिस इज अ सुपरलेटिव फॉर्म, है ना, प्रेटीएस्ट मतलब सबसे सुंदर, प्रेटी, प्रेटियर एंड प्रेटीएस्ट, तो सबसे सुंदर रेड कलर की सैंडल लेके आए, ठीक है। ही कुड फाइंड विथ सिल्वर बकल्स, उन्होंने उसको ढूंढा था, कुड फाइंड मतलब वो ढूंढ सके या फिर मुश्किल से उनको मिला, विथ सिल्वर बकल्स, उसको वो सैंडल कैसी थी, चांदी के, बकल मीन्स होता है बक्सुआ,
ठीक है, जो सैंडल के आगे के पार्ट में होता है ना, उसमें जहाँ पे अपना जहाँ पर अपना पैर भी रैप होता है जिस स्टेट में, ठीक है ना, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, सैंडल की बकल्स कहलाती है, ठीक है। तो वो बक्सुआ था उसका, वो चांदी का था, इस तरह की सैंडल उनको बहुत ही मुश्किल से मिली थी। शी लुकड एट देम, उसने उनको देखा, उनको किसको, सैंडल्स को, एंड सैड, और कहा सिल्वर सैंडल्स विथ गोल्ड बकल्स, कि चांदी की जो सैंडल होती हैं सोने के बक्सुआ के साथ, है ना, बकल में, इस बक्सुआ आर मोर प्रेटियर, वो ज़्यादा सुंदर होती है। उसको अगेंस्ट जाना था किसके, अपने फादर के, तो फादर उसके रेड कलर की सैंडल लाए जिस पर क्या था, चांदी का बक्सुआ था। तो प्रिंसेस मीनाक्षी क्या बोलती हैं कि यदि सिल्वर की सैंडल होती, मतलब चांदी की तो सैंडल होती, और उन पर सोने का बक्सुआ होता, तो वो ज़्यादा सुंदर होती। दैट्स वाई हर नेचर वाज अ वेरी डिफिकल्ट। टू बी कंटिन्यू स्टूडेंट्स, वंस ही टुक हर अप इन टू द माउंटेन्स, वंस मीन्स एक बार, ही अगेन हेयर रेफर्स टू द किंग, है ना, तो एक बार राजा, ही टुक लेकर गए, टुक मीन्स लेकर गए, अगेन टेक की सेकेंड फॉर्म, हर अप इन टू द माउंटेन्स, उसको कहाँ लेकर गए, हर हेयर रेफर्स टू द प्रिंसेस, राजकुमारी, प्रिंसेस के लिए, ठीक है, राजकुमारी के लिए आया है यहाँ पर, वो उसको कहाँ लेकर गए, माउंटेन्स पर ले गए, पर्वतों पर ले गए, पूरा हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स छुट्टियाँ मनाने के लिए, ठीक है। तो वंस एक बार ही लेकर वो बह या फिर राजा किंग लेकर गए उसको पर्वतों पर हॉलीडे छुट्टियां मनाने के लिए, बट शी परंतु बह बाज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी, एज यूजुअल। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, आई हेट द माउंटेन, हेट मीन्स नफरत करना, मुझे तो पर्वतों से नफरत है, आई लव द सी, मैं समुद्रों को पसंद करती हूँ, मुझे समुद्रों में यदि आप ले जाते छुट्टियाँ मनाने समुद्रों पे तो अच्छा लगता वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसने अगेन अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या बोल दिया, अपने फादर के अगेंस्ट गई वो। प्रताप, प्रताप आ यंग शेपर्ड, प्रताप एक यंग मीन्स जवान, शेपर्ड मीन्स होता है गडरिया, ठीक है, तो एक जवान जो गडरिया था, केम टू द कैपिटल, वह आया उस राज्य में, कैपिटल मीन्स राज्य में, उस राज्य में आया, ही टोल्ड हर, उसने कहा, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति से उसने कहा, आई हैव, ये देखो बेटा एब्रीविएशन हुआ है ना, इसको क्या पढ़ोगे, आई हैव कम टू द कैपिटल, मैं यहाँ आया हूँ, टू द कैपिटल, इस राज्य में, इस राजधानी में, टू मेक माई फॉर्चून, मेरे भाग्य को बनाने के लिए, मेक मीन्स बनाने के लिए, माई मीन्स मेरे, फॉर्चून मीन्स भाग्य, फेट, लक, ठीक है, मैं अपने भाग्य को बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू सो, कृपा करके, प्लीज़ मीन्स कृपा करके, टेल मी मुझे बताओ, हाउ टू डू सो, कि यह सब मैं कैसे करूँ, मैं अपने भाग्य को यहाँ पर कैसे आजमाऊँ। गरीब गडरिया था, तो पहले ऐसे ही होता था, आज भी होता है, जब एक सिटी में अपना भाग्य नहीं खुलता है या अर्निंग अच्छी नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जा करके और अपने भाग्य को आजमाते हैं। तो इसी तरह से वो गरीब गडरिया भी उनके राज्य में अपने भाग्य को आजमाने आया था। आई डोंट नो हाउ यू कैन डू दैट, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो मीन्स नहीं जानता हूँ, हाउ कि कैसे, यू कैन डू कि तुम कैसे कर सकते हो, दैट सेड द ओल्ड मैन की बहस ऑफ, दैट मीन्स जो आपने कहा कि आप अपने भाग्य को आजमाने आए हो, दैट ईयर रेफर्स टू द हिज स्पीच, ठीक है। तो उसने कहा कि जो तुम अपने भाग्य को आजमाने आए हो, वह मैं नहीं जानता कि तुम कैसे करो, सेड द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति इन द टाउन, इस कस्बे में टॉक्स, बातें करता है, अबाउट प्रिंसेस मीनाक्षी, किसके बारे में बातें करता है, प्रिंसेस, प्रिंसेस राजकुमारी मीनाक्षी के बारे में बातें करता है, एंड हर डिफ़िकल्ट बिहेवियर, और उसका कठिन सा जो व्यवहार है उसके बारे में हर कोई बातें इस कस्बे में करता है। अ नंबर ऑफ प्रिंसेस, यहाँ पे देखो बेटा, प्रिंसेस, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लूरल ऑफ प्रिंस, इसका मतलब है बहुत सारे राजकुमार, ठीक है ना, और ये था प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, तो बहुत सारी संख्या में, अ नंबर ऑफ मतलब अत्यधिक संख्या में, अ नंबर ऑफ प्रिंस, प्रिंसेस, कई सारे जो राजकुमार हैं, आर इन द कैपिटल, इस राज्य में आए हुए हैं। द किंग वांट्स, अब जो राजा है, प्रिंसेस का फादर जो राजा है, वांट्स, वो चाहता है, द प्रिंसेस टू चूज वन ऑफ देम, कि जो राजकुमारी है वो चूज कर ले, चूज अगेन
चूज मीन्स चुनना, ठीक है ना, चूज कर ले, चुन ले वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से कौन से, देम हियर रेफर्स टू द प्रिंसेस, किसके लिए आया है यहाँ पर देम, राजकुमारों के लिए, जो बहुत सारे राजकुमार आए हुए हैं उनमें से एक को राजकुमारी अपना क्या चुन ले, हस्बैंड चुन ले, है ना, एज हर हस्बैंड, एज मतलब रूप में, किसके में, हर मतलब राजकुमारी के, पति के रूप में, अपने पति के रूप में वो एक राजकुमार को चुन ले, उसके फादर ये चाहते हैं। वाई डोंट यू ट्राई, तो वो ओल्ड मैन कह रहा है बीबी ये बातें, ओल्ड मैन उस किससे कह रहा है बेटा, गडरिया से, वाई डोंट यू ट्राई, तो तुम क्यों नहीं करते हो कोशिश, ठीक है, क्यों, वाई मीन्स क्यों, एंड डोंट यू ट्राई मतलब कोशिश क्यों नहीं करते हो टू मैरी, टू मैरी मीन्स शादी करने की, प्रिंसेस, प्रिंसेस मीनाक्षी, राजकुमारी मीनाक्षी से शादी करने की कोशिश क्यों नहीं कर लेते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है आपको, ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना और पढ़ना, मुझे पता है ये स्टोरी बिल्कुल आपके लिए, आप पीस ऑफ केक है, डू यू नो आप पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बेटा इजी टास्क, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केक का पीस है और हमको खा जाना है, ठीक है, ये क्या है, ईडियम है, मुझे पता है बहुत अच्छे से इसको कई बच्चों ने तो पढ़ भी ली होगी घर पे, ये आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक है, ठीक है ना, ये एक ईडियम है, इसी तरह से हम आपको ईडियम्स भी क्लियर कराते जाएंगे थोड़ी बहुत, तो आप इन सबको नोट करते रहना, ओके।